प्रकृति के साथ छेड़छाड़ का नतीजा कहें या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम पर आने वाले करोड़ों रुपए की टकार, जो भी हो वन्य जीवों की हालत बद से बदतर होते जा रहे हैं। हर साल वन्य जीवों के संरक्षण के नाम से करोड़ों रुपए की आय अर्जित करने और केंद्र और राज्य सरकारों से करोड़ों का बजट खर्च करने के बाद भी वन विभाग का ध्यान जीवों की तरफ नहीं जा रहा। इन वन्य जीवों के खाने पीने का इंतजाम वन विभाग आज तक नहीं कर सका है, जिसके परिणाम स्वरूप इन वन्य जीवों को शहर के पास आकर घरों से फेंके गए कचरे में अपना खाना ढूंढना पड़ता है। इस रिपोर्ट में देखिए। प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू, जिसने अपनी खूबसूरत वादियों के लिए देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी नाम कमाया है। माउंट आबू न सिर्फ अपनी वादियों के लिए बल्कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए रिजर्व है। आबू पर्वत पर कुल 288 वर्ग किलोमीटर में वन्य जीव अभ्यारण्य बना हुआ है, लेकिन इस विशाल वाइल्ड सेंचुरी में वन्य जीवों की हालत बेहद चिंताजनक है। आखिर क्यों? इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। सेंचुरी में वन्य जीवों की हालत इस कदर बदतर है कि इन बेजुबान जानवरों को कचरे में अपना खाना ढूंढना पड़ रहा है। खाने पीने की पर्याप्त व्यवस्था न होने के कारण वन्य जीवों को रात के अंधेरे में शहर की शरण लेनी पड़ती है। वहीं माउंट आबू नगर पालिका की ओर से शहर से कचरा संग्रहण कर दिलवाड़ा रोड स्थित वीर बाबा मंदिर के पास डाला जाता है, जहां हर रोज बड़ी संख्या में भालू आकर कचरे में खाना ढूंढते नजर आते हैं। वही कचरे से पॉलिथीन खाने से वन्य जीवों की हालत भी बिगड़ रही है और वन्य जीवों का जीवन खतरे में पड़ गया है। मैं पुणे से हूँ, महाराष्ट्र से। मैं भी यहाँ बहुत बार आ चुकी हूँ यही सोच में कि मुझे दिख जाएगा करके सामने सामने, बट ये चीज़ जो देखी है वो बहुत बुरा लग रहा है मुझे कि हम जो वेस्ट कर रहे हैं वो ये लोग का खाना है जो नहीं होना चाहिए। और गवर्नमेंट से यही अपील है कि आप कुछ ना कुछ इन लोगों के लिए कुछ करें। आपने यहाँ पे कितने भालू देखे आज? छः से पूरी फैमिली थी, 5 से 6 भालू देखे, उनके बच्चे और बड़े भी थे। मैं पिछले 12 साल से माउंट आबू आ रही हूँ इसी तलाश में कि एक तो यहाँ का जो मुझे नेचर बहुत पसंद है और दूसरी चीज़ मैं वाइल्ड लाइफ देखना चाहती हूँ, बट ना कि बल्कि कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जाके, क्योंकि मैं गिर और ऐसे कई सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देख चुकी हूँ। पर आज पता नहीं अचानक मैं यहाँ पर आई और मैंने एक साथ, ऐसे लग रहा है इतने सालों की सारी कसर पूरी हो गई और 5-6 भालू एक फैमिली जैसे मैंने देखे, पर पता नहीं उनको देखकर जितनी खुशी होनी चाहिए थी उससे कहीं ज़्यादा मुझे दुख हुआ है, क्योंकि इंसानों ने इनकी भी स्थिति ऐसी कर दी है कि ये लोग आज, मतलब देखकर शर्म आ रही है मुझे कि हम लोग उनको प्लास्टिक के साथ देख रहे हैं। आज उनके मुंह में प्लास्टिक की बॉटल्स, उसके बाद ये चिप्स के पैकेट्स के, ये तो डेफिनेटली मैं चाहूँगी कि इनके लिए सभी ने कुछ सोचना चाहिए। ऐसे डंप यार्ड यहाँ पे कुछ गेट्स बनाए जाए कि ताकि वो जंगली जानवर यहाँ नहीं आए। माउंट आबू की इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भालुओं की इस दुर्दशा को देखकर पुणे से आए एक महिला पर्यटक की आंखों में आंसू छलक गए। वीर बाबा मंदिर के सामने बने इस डंपिंग यार्ड में भालू और गाय को एक साथ कचरे में भोजन तलाशते देख ये युवती अपने दर्द को छुपा न सकी और इन वन्य जीवों के दर्द को महसूस करती हुए न्यूज इंडिया की टीम से बातचीत करती हुए इनकी आंखों से आंसू छलक आए। आप खुद सुनिए क्या कुछ इनका कहना है। बस यही चाहती हूँ कि इनके लिए कुछ खास की योजनाएं की जाए कि उनकी अच्छी अच्छी सुविधाएं हो जाए। ऐसा खाना तो अच्छा है ही नहीं ना, तो हमको तो बहुत बुरा लग रहा है। हालत के ऊपर मुझे तरस आ रही है क्योंकि मैं गायों को भी देखता हूँ और डोमेस्टिक जानवरों को देखता हूँ, आज वाइल्ड लाइफ तक भी आज ये हालत हो गई है। तो इस चीज़ के बारे में गंभीरता से सरकार का कुछ जिम्मा बनता है, फॉरेस्ट का जिम्मा बनता है कि उनके बारे में कुछ विचार किया जाए। और बाकी वैसे आज तो मुझे बहुत ही आनंद हुआ क्योंकि मेरे 63 साल की उम्र में मैंने पहली बार सामने में आज इतने जंगली प्राणियों को मैं देख रहा हूँ, एक नहीं बल्कि 5-6 मैंने यहाँ पर देखे हमने। प्रदेश का सबसे ऊंचा हिल स्टेशन माउंट आबू को देखने के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेश से भी पर्यटक यहां पहुंचते हैं, लेकिन वन्य जीवों की दुर्दशा पर न तो वन विभाग के अधिकारी और न ही जनप्रतिनिधियों का ध्यान इस ओर जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर वन विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों को इन बेबस और लाचार वन्य जीवों की दुर्दशा आखिर क्यों नजर नहीं आती है। न्यूज़ इंडिया के लिए सिरोही के माउंट आबू से संवाददाता विक्रम सिंह की रिपोर्ट।